हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी अभी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही कि फिर बदलेगा मौसम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फिर बूंदाबांदी का आसार, छाएंगे बादल, कोहरा और धुंध। तो चलिए जानते कि IMD का क्या है मौसम को लेकर पूर्वानुमान। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है। कहीं धुंध तो कहीं कोहरे का असर दिखाई दे रहा है, तो वहीं कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी असर देखने को मिल रहा है। अब यूपी मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह के अंत तक राज्य में ठंड से राहत तो मिलने की संभावना है। वहीं आज लखनऊ समेत कई जिलों में फिर बूंदाबांदी की संभावना बन रही है, तो वहीं बादल छाने के साथ कोहरे का भी असर देखने को मिलेगा। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में कहीं धुंध देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं आपको बता दें कि कल अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसपास उम्मीद जताई है। नोएडा गाजियाबाद में भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से स्थिति में दिन के तापमान में इजाफा होगा। न्यूनतम तापमान पर भी इसका असर पड़ेगा। आपको बता दें, ये बदलाव गेहूं और तिलहन की फसलों के लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं पूर्वी यूपी में आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण बादल छाए रहेंगे और बादल छाए रहने के साथ झमाझम बारिश और कोहरे का भी असर देखने को मिलेगा। इसी बीच चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें मौसम विभाग ने आप फिर बारिश का आसार जताए हैं। आपको बता दें, यूपी मौसम विभाग के मुताबिक आज मेरठ, गाजियाबाद और लखनऊ समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं आपको बता दें छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय आसमान में धुंध देखने को मिलेगी। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 23 से 24, कहीं 25 डिग्री सेल्सियस रहने तक की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं आपको बता दें कि यूपी मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में दिन व रात का तापमान लगातार बदल रहा है। गोरखपुर में फॉग जैसी स्थिति अभी भी बरकरार है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं के कारण लोगों को फॉग जैसी स्थिति आपको बता दें स्थिति से राहत मिल रही है। वहीं आपको बता दें, कल शहर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने के आसपास अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम को लेकर एक और बड़ी खतरनाक खबर निकल कर आ रही है कि देश भर में एक बार फिर से 3 सिस्टम सक्रिय होने की वजह से 10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जबकि बिहार, झारखंड में लगातार तापमान में गिरावट देखने के साथ ही सर्द हवा का प्रभाव नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सर्द हवाओं का दौर अभी भी जारी है। गुजरात, राजस्थान के साथ कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में शीत दिन की भी चेतावनी जारी की गई है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घने कोहरे के साथ साथ छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। जबकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और नई दिल्ली में हल्की शीतलहर व शीतल दिन की चेतावनी जारी की गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।